अरे तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट आनी है ना। रिपोर्ट से क्या होता है, बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की EMI चुकाऊंगा, मैं उसके दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बात है, आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे। मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ, सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बच्ची को चीज जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को हाँ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की, लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। जिसका डर था तुम्हारे पेट में बेटी है। मैं तो बेटी नहीं चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। मस्ती क्यों नहीं, आजकल बेटी को पालना पढ़ाना शादी करना सब बहुत मुश्किल है। मैं संभालूंगी, मैं डबल मेहनत करूंगी। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मत ऐसा मत करो। एक बार बोला ना बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, बेटी या मैं। पथारवा प्लीज।
मांगती है तो मर जा, मैं बच्ची को नहीं होने दूंगा। पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी, बाहर आकर तुम किसके साथ खेलेगी? यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती है, और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगे तो ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची, बहुत बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और
मैं ज्वाला भी हूं, मैं ही पार्वती हूं और मैं ही संतोष हूं और मैं ही हूं अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही देवी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने भी आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोले फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है। जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं, हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे गुड, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, हाँ? और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्या नहीं चाहिए, जबकि ओस की पूंजी होती है बेटिया। माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटिया। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो दो कुलों की लाश होती है बेटिया, फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटिया। क्यों क्यों नहीं चाहिए बेटिया? है किसी के पास इस बात का जवाब बेटिया? क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर? मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रोहित, रोहित, क्या हुआ? क्या उठे रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? तुम जिंदा हो? ए लड़की, ए मुझे क्या हुआ? हे भगवान, शुक्र है तुम सच में जिंदा हो। हाँ, पर हुआ क्या? हुकुम है। वो हुकुम? मेरी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति, नहीं, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर इस जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा, इस दुनिया को अगर बचाना
डरना है तो हमें इन्हें बचाना ही होगा। हम सबको मिलकर इन्हें बचाना होगा, है ना? तुम ठीक कहती हो ज्योति, इसकी शुरुआत हम करेंगे। उम्मीद है कि सब लोग हमारा साथ देंगे।